तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत फिर से हमारे नए। देखिए महान लोग आ चुके हैं हमारे बीच में। ये देखिए दोस्तों स्टेशन की भीड़ तो देख सकते हैं। यहाँ पे चाय बेचने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। नितिन भाई, आकाश भाई, सूरज भाई, तो यहाँ तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत फिर से हमारे नए ब्लॉग में। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों देख सकते हैं एकदम ऊपर से नीचे तक पूरा रेडी वेडी होकर हम निकल रहे हैं अपने बाबा श्याम के वहाँ, मतलब जयपुर खाटू के लिए। तो अभी निकलेंगे यहाँ से, नितिन भाई के वहाँ जाएंगे, उसके बाद बर्थडे पे इकट्ठा होंगे सभी लोग, तो वहाँ से जाएंगे लखनऊ गोमती नगर। तो वहाँ से है हम लोग की ट्रेन, तो क्योंकि यहाँ से ट्रेन तो सब रूट बंद है अयोध्या की वजह से, तो क्योंकि यहाँ पे सब रेलवे लाइन वगैरह चेंज हो रही है इसीलिए, तो हम निकलते हैं फटाफट। ठीक है, आज के ठंडी का हाल कुछ ऐसा हाल है यार, फिर ठंडी है यार, पता नहीं कैसे यात्रा होगी। तो अभी हम तैयार तो हो गए हैं, अभी नितिन भाई का फोन आया कि निकलो जल्दी से, तो अभी हम जतिन को बुलाया है, तो जतिन हमको ड्रॉप कर देगा वहाँ पर जाकर, नितिन के भाई, सॉरी नितिन के वहाँ घर पर। ठीक, तो वहाँ से हम लोग जाएंगे, अगर देखते हैं कि गाड़ी मिल जाएगी तो गाड़ी से जाएंगे, वरना फिर टैक्सी वगैरह कुछ करके। देख सकते हैं हम घर से निकल आए हैं और हम लोग की पैदल यात्रा स्टार्ट हो गई है। एक ये मित्र चल रहे हैं, एक ये मित्र चल रहे हैं। क्यों नितिन, कितने दिन में पहुँच जाओ जी? कल तक पैदल, देखो हम लोग कल से पहुंच जी भाई यार, इसकी चल पे देख लियो क्या, देखो ये आदमी आए कल तक पहुंचेंगे, कल तक। अभी हम लोग लेंगे काटू जाम में, अभी हम लेंगे एक एक हेलमेट जो लगाते हुए जाएंगे। ठीक, तो मजा लेते चल रहे हैं, यात्रा सुमंगल हो इसकी कामना करें। मित्र हंस रहे हैं देखिए, और ये भाई साहब देखो इतना काहिल लुंडा है, ये बोल रहा है बस से ना जी भाई ट्रेन से चलो भाई, हम बता रहे थे गोमती नगर तक पैदल चलो, बस थोड़ी गर्मी है, ये ज्यादा नहीं 28 किलोमीटर है, 24-28 किलोमीटर बस। किसका इंतजार हो रहा मित्र? मित्र सूरज भैया का। अब सूरज भाई बताया कि 2 बजे मिलो बस अड्डे पर, और अभी घर से नहीं निकले हैं, ऐसे ऐसे मित्र पड़े हैं हमारी जिंदगी में, कहा बताए। और इधर देखिए सबसे बढ़िया महान पुरुष हमारे, क्यों ये इधर सस्ता राइडर जा रहा भाई साहब, स्प्लेंडर वाला देखियो। तो भैया हम उग गए हैं यार टैक्सी, जयपुर मजा कर रहे हैं, देख लो दोस्तों ये सब दौड़ा रहे हैं हम, का मतलब कभी कह रहे हैं बस अड्डे चलो, कभी कह रहे हैं स्टेशन चलो, कभी कह रहे हैं फिर बस अड्डे चलो, कहाँ बे बैंगन समझो, कहा थाली मिया, इधर उधर धनगा रहे हो, तमाशा बना रखा है, तुमने बना के रखा है, हम बना रखे हैं। और का जब बस नहीं मिल रही तुमका जयपुर जाके, तो बस नहीं है तो कहाँ जाएंगे। सूरज सूरज भाई आ चुके हैं, तो जो ऑटो वाला पूछ रहे भैया कहाँ जी, बता रहे जयपुर, इतना मजा ले रहा है बताओ। तो सूरज भाई आ चुके हैं, सूरज भाई से मिलते हैं, है ना दोस्तों। ये लोग जहाँ होते हैं हमारी वीडियो समाप्त करते हैं, मतलब हमारा वीडियो खराब कर देते हैं बस ये करके। ये देखिए क्या करते हैं, बताओ समझ सकते हो, सुना क्या कह रहे हैं, तुम्हारे माया तो बता दियो, जान ला गए जड़ने वाले बाबा हैं, टोबी यो ये झाड़ू बाबा है, झाड़ू बाबा। अभी एक कैंडिडेट हमारा आया नहीं है, DSLR कैमरा वाला, पता नहीं कैमरा मैन हमारा कहाँ रह गया, क्या प्लान है यू बताओ, वेट कर रहे हैं कैमरामैन का, आता है तो मिलते हैं। ठीक है, ये दादा, ये है, ये आकाश भाई, पीछे तुम्हारी नजर बैठे, बताओ पीछे नजारा देखो बाहर का, बड़ा ही पहले बता तो हम ये कहा दिन हुए ना उतर ले दिन, मैं ये मिल बेच दो वापस के तेल, ये सत्ता नहीं बुला ले उधर उधर। तो हम निकल चुके हैं बाराबंकी से अब स्टेशन के लिए अपने, ये भी हमारे कैमरामैन भाई साहब, ठीक है मिलते सीधा स्टेशन पहुँचते, क्योंकि यहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए
मैजिक से उतर के कहाँ पे बैठा दिए हैं? ए यार हम बाहर चले जी भाई। अबे उका तो ऑन है भाई साहब, तो बताए सर। बहुत अच्छा लगा, ठंडी ठंडी देख सकते हैं सब लोग कहाँ कैसे बैठे हैं। ये देखो हमारे भाई को देखिए, चुकड़े उकड़े बैठे हैं। इधर सबसे ज्यादा ठंडी इनिंग लग रही है। क्या मसाला रखे देखो। हम पहुंच चुके हैं गोमती नगर स्टेशन और सौरभ भाई कुछ भड़के हुए हैं, पता नहीं काहे के लिए भड़के हुए हैं। ये देखिए अपने डोलची सहित आ रहे हैं और कुछ भड़के लगे नजर आ रहे हैं भाई साहब हमको। ये देखिए आकाश मित्र किधर गए आप? हो ना साथ में रहना, खो जाओगे दिखोगे नहीं रात में। ऊपर देख लो वो मिल गए। प्लेटफॉर्म ये रही हमारी ट्रेन खड़ी हुई इधर, लेकिन टिकट तो कंफर्म है ही, खड़ी रहने से ना रहने से क्या फायदा। ये रही बस हम लोग कहाँ चले, काम चले। देखिए दोस्तों स्टेशन की भीड़, क्या लगता सीट मिल पाएगी? कंफर्म हो पाएगी। बहुत भीड़ है यार वहाँ से लेके पूरा, हमको लग रहा 80% तो यहीं जाएंगे सब लग रहा। सीटें तो कंफर्म नहीं हो पा रही, बाकी बिछा के तो जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा देसी जुगाड़ लगा के। ठीक है तो दोस्तों सीटें कंफर्म नहीं है, लेकिन किसी तरह इधर बैठे हुए हैं हम सभी लोग। देख सकते हैं यहाँ पे चाय बेचने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। नहीं भैया चाय नहीं, अभी तक खनुआ खाए उठा है, पता नहीं कौन खा के इधर डाल के गया। हम लोग बैठे हैं, थोड़ा सिस्टम भिड़ा रहे हैं कि सीट मिल जाए। एक लसिया कहाँ है? तो भाई ट्रेन छूटने वाली है आधा घंटे में, 15-20 मिनट में, तो जहाँ जहाँ चलते हैं हम यात्रा में आपको साथ में लेकर चलेंगे। क्यों भाई सही बोला, सही बात, बहुत सही। तो दोस्तों हम लोगों की ट्रेन कंफर्म हो चुकी है सीटें, और यहाँ सीटें पर बैठ के देखिए हम लोग मूंगफली खा रहे हैं। ये क्यों ना डाले, क्यों ना तिवारी जी, ये हमारे तिवारी जी बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पे मूंगफली खा रहे हैं। नितिन भाई, आकाश भाई, सूरज भाई, तो यहाँ मूंगफलियाँ खाई जा रही है। ये रहा देखिए क्या जुगाड़ चल रहा है मूंगफली का, मूंगफली खा रहे भाई साहब हम लोग। ऐसा मत करो सर, में दिल से बुरा लगता है भाई, मजाक कर रहे हैं यार। हम लोगों की मस्ती इसी में ट्रेन में चलेगी रात भर, यूं सुबह उतारेगी जयपुर। ठीक है ये देखिए तिवारी जी आपका क्या कहना है? खाने के बाद मिलते हैं आपको, ठीक मूंगफली अभी खत्म कर रही है, देखो कैसे जुटे हैं सब, भोजन कर लो बस। तो ये हाल होता है अगर ट्रेन कंफर्म ना हो, तो ये हाल होगा देख लीजिए कहाँ। स्लीपर सेल स्लीपर क्लास की, इसको बोलते हैं स्लीपर क्लास, रियल स्लीपर क्लास। ठीक है ये दारू बाजी दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हाल है कुछ ट्रेन में टिकट कंफर्म ना होने के। और इधर आकाश ये देखिए सूरज भाई क्या कर रहे हैं, ये हाल है हम लोगों का ट्रेन टिकट कंफर्म ना होने का। मस्ती हमारे साथ नए कैंडिडेट ये भी जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं अभी कुछ क्षण में हम पहुंचने वाले हैं जयपुर। जयपुर नहीं मैं जब फरुखाबाद पहुंच जाऊं, मान लो जयपुर पहुंच गए, समझो कि अपने बेडरूम में रेस्ट कर रहे हैं समझे। ये फोन ये देखिए हम ऐसे पड़े हैं और बाकी इधर ऐसे पड़े हैं, देख सकते हैं वो 0.5 बताएं आप, देख सकते हैं। ये रहा भाई कुछ हाल भीड़ का, देख लो गई तो इधर से, ये हाल है कुछ सुदामा के, तो का
ठीक है। जो बहुत सही भैया लोग देख रहे हैं, देखो कहाँ बैठे हैं, इनकी तो तबीयत खराब चल रही है। ये हमारे होनहार शेर, आज शेर हो गए हैं ढेर। हाँ शेर हो गए हैं ढेर, भीड़ काफी है। जिंदगी ने किस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया है, ना हम बाहर जा सकते हैं ना उसे कारखाने में जा सकते हैं। कॉपरेट करते करते हमारा क्या हाल है? पंडित जी देखिए कॉपरेट कर रहे हैं, बैठे नहीं कराऊंगा किसी को, बहुत कॉपरेट करा लिए। जिराब वाली टांगे कटवाई गए हैं। ये है दोस्तों हम लोगों की ये पकड़ ले जिंदगी, एक जब टिकट मैंने ब्लॉग पे डाली सर, आज मेरा टिकट हो गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है हम लोगों की और ये दोनों लोग यहाँ बैठे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखिए चाय नाश्ता करके बैठे हैं, हमको बिना जगाए हम इधर चाय पी रहे हैं अकेले अकेले। और हमारे तिवारी मित्र कहाँ गए? तिवारी तिवारी कहाँ गए? ये देखिए दोस्तों दादा कैसे कुंभकर्ण की भात सो रहे थे। अरे कुंभकर्ण उधर देखिए आकाश पड़े हुए, ये देखिए ये नाइट का सो है, ये नाइट का सो है। क्या जो पागल वगल होगा, ऐसा ना दिखाओ, ऐसा ना बोलो। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तो इस ब्लॉग का यहीं तक रखते हैं और चाय पीते हुए क्योंकि मतलब पार्ट लंबे हो जाएंगे, इसलिए अगले पार्ट में मिलते हैं पार्ट टू में। तो मतलब इसके कई पार्ट आएंगे अभी हमारी जर्नी के, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तक के लिए वेट।